इसके बावजूद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कमर कसी है कि मोदी सरकार अगर गांव के गरीब छात्र किसान के बच्चों को पढ़ने पर बंदिश लगाएगी, चार चार गुना 400% फीस बढ़ाएगी, अगर बाहर करेगी 45 हर स्तर की फीस करेगी, उसके खिलाफ लड़ेंगे। और लड़ रहा है पूरे इलाहाबाद का छात्र, लड़ रहा है। आने वाले दिनों में चयन प्रक्रिया में धांधली के सवाल पर, शिक्षक भर्ती के सवाल पर और भी मुद्दों पर जो भी रोजगार के सवाल हैं, इस पे एक आंदोलन, एक मुहिम शुरू होगी। और 8 महीने बाद ये जो दहशत का माहौल था उसके बाद ये मुहिम की शुरुआत हो रही है। एक बार भर्ती, मैंने उम्मीद जाहिर किया जो ज्ञापन जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपनी जो एसटीएफ है, एसटीएफ का कॉपी मंगवा लें और उसमें विचार करके बता दें कि क्या निर्णय लेना है। अगर मुख्यमंत्री कहते रहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक घर में गिरवी रख दी गई थी, सिर्फ एक घर में सिपाही तक नौकरियां सीमित थी, यादव फैमिली तक नौकरियां सीमित थी और सब कुछ धांधली हो रही थी। हम लोग भी लड़ रहे थे लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार था, और अनिल यादव को बर्खास्त कराने में हम लोगों ने भूमिका अदा की, सड़कों पर लड़े, लाठियां खाई। लेकिन ये भी कहते हुए दुख होता है, जिसको प्रधानमंत्री ने मुद्दा बनाया था, सुहासिनी वाजपेयी का मामला राष्ट्रीय फलक पर उठाया था, दुख होता है। चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो 68,500 से हो, चाहे 69,000 हो, चाहे एलटी हो, चाहे ये टीजीटी पीजीटी हो, जितनी धांधली और जितने पड़े पैमाने पे सीटों की बिक्री योगी राज में शुरू हुआ है, इसके पहले 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ है। इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है भ्रष्टाचार और धांधली में। और इसलिए लेखपाल की परीक्षा को बिना किसी देरी के, बिना किसी और इंतजार किए, बिना और कोई जांच कराए रद्द करके तत्काल डिक्लेयर करना चाहिए। पुनर्परीक्षा 2 महीने के अंदर पुनर्परीक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा पूरे मामले को फंसाना होगा, कई कई साल तक उलझाना होगा। जिस तरह से दरोगा यूपी एसआई उलझ गया है, उसी तरह से उलझाना होगा। ये कहते हुए, अंत में ये कहते हुए, ये जो रोजगार की हमारी लड़ाई है, उसी के साथ चयन प्रक्रिया में धांधली के खिलाफ लड़ाई है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश में है। मैं जब देखता हूँ, सोनभद्र जाता हूँ, सीतापुर की खबर देखता हूँ, 50% से ज्यादा पद, फरुखाबाद की खबर देखता हूँ, 50% से ज्यादा पद खाली है। प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रसोइयां पढ़ा रही है, ये अखबारों में खबर आई है। प्राथमिक विद्यालयों में 200-400 बच्चों पर एक छात्र एक अध्यापक है, यही सच्चाई है। यूनेस्को की रिपोर्ट है, 3 लाख से ज्यादा पद खाली है। और खुद इन्होंने, मंत्री ने माना, जब हम सब ने आंदोलन किया, भाई रजत जी है, 4,000-5,000 लोगों को लेकर के चुनाव के पहले कई बार, एक बार नहीं, याद भी नहीं आता है कितने बार प्रदर्शन हुआ है लखनऊ में, इलाहाबाद में प्रदर्शन किया गया। इस सरकार टस से मस नहीं हुई, अभी दबाव में मंत्री ने माना है 1,26,000 पद प्राथमिक बेसिक विद्यालयों में खाली है और इन पदों को हम भरने के लिए। लेकिन कहा जा रहा है अब शिक्षक साथी रखेंगे, हम शिक्षा मित्रों से काम चलाएंगे, हम आंगनबाड़ी से काम चलाएंगे, रसोईया को भी लगा देंगे, वो भी योग है और सब कुछ है। और कुल मिलाकर के शिक्षक भर्ती नहीं देना है, ठेके पे व्यवस्था हो रही है, यही पूरे देश में चल रहा है। प्राइमरी शिक्षक से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक ठेके पेदारी चल रही है, ठेके प्रथा चल रही है। हमने ये मांग की है, भाई ठेका प्रथा खत्म किया जाना चाहिए। जितने भी पद देश में है, प्रदेश में है, 1 करोड़ पद है, इनको भरा जाना चाहिए। जितने भी योग हमारे अभ्यर्थी हैं, लोग हैं, हर परिवार के सदस्य को नौकरी दिया जाना चाहिए। ये कुछ मांगे भविष्य के अभियान की है। हमने सारे संगठनों से कहा है, जिस तरह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ सारे संगठन लामबंद हो गए हैं, उसी तरह से प्रतियोगी संगठन और यूनिवर्सिटी कॉलेज के संगठन मिल करके आने वाले दिनों में शिक्षा और रोजगार के अधिकार के लिए, और चयन प्रक्रिया में धांधली भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत होगी। और ये कहते हुए अगर मैं चाह रहा हूँ,
कि दो दो मिनट, क्योंकि आप लोग लाइव चला रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, अनिल जी है, पंकज पांडे जी है, हमारे रजत सिंह जी है, बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा अभियान ये पिछले साल चलाया है, ऐतिहासिक आंदोलन चलाया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। कोई ये न देखे कि यहाँ 20 लोग 40 लोग आए हैं, जिस दिन जरूरत पड़ेगी हम सारे संगठन मिलकर के इलाहाबाद से लखनऊ तक हजारों लोगों को सड़कों पर उतारने की हैसियत रखते हैं। और ये किसी गलत फहमी में योगी मोदी सरकार न रहे, ये छात्रों में मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, हमारा आंदोलन अहिंसक है, हम तोड़ फोड़ में करनी सेना वालों की तरह विश्वास नहीं रखते हैं। उनकी विचारधारा आप जानते हैं, वो लोग किससे प्रेरित होते हैं और कौन लोग उनको फॉलो करते हैं आप सब जानते हैं। हमारा हो, अनिल सिंह का हो, पंकज पांडे जी हो, रजत सिंह हो, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलनों में विश्वास रखते हैं। हमारा यकीन शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलनों में है और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। हम चाहेंगे रजत जी आए और दो मिनट बात रखे। इस वक्त जो धरना प्रदर्शन जो है, सभी साथियों को नमस्कार। इलाहाबाद के जैसे बड़े भाई रजत सचान जी ने आप सबको बताया कि सभी साथियों को एकजुट होना पड़ेगा। जिस प्रकार लेखपाल वाले अभ्यर्थी, पीजीटी पीजीटी वाले, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले, अग्निवीर वाले, जितने भी बेरोजगार साथी हैं, सबको एक मंच पे आकर के सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए लड़ना होगा। हमको अपना अहिंसावादी रूप के साथ सत्याग्रह करके सरकार को बताना होगा कि हम सब बेरोजगार युवा शांत नहीं बैठेंगे और सरकार तक बात पहुंचाने के लिए निरंतर इसी तरीके अहिंसावादी गांधीवादी तरीके से अपनी बात सरकार तक रखेंगे। आपने देखा होगा कि सरकार चुनाव से पहले रजत सचान जी, अनिल सिंह जी, आकाश जी, पवन जी, सभी लोगों ने और प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी विभाग वालों ने अपनी बात सरकार तक रखी, लेकिन किसी की भी बात सरकार ने नहीं मानी। उस समय केवल मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया कि हम आपकी बात को रखते हैं और सरकार आने के बाद आपकी मांग को पूरा करेंगे। उसी प्रकार मैं आप सबको एक घटना की याद दिलाता हूं। चुनाव से पहले जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लाखों हजारों जब अपने जिले में प्रतिक्ष रोड पे उतरे, तब शिक्षा मंत्री उस समय सतीश द्विवेदी जी थे। उन्होंने कहा हम 17,000 का विज्ञापन लिखित रूप में आपको आश्वासन देते हैं और जल्द से जल्द आपका भर्ती का विज्ञापन देंगे। किस्मत से ये देखना था कि दो दिन बाद आचार संहिता लग गया, उसके बाद चुनाव हुआ, सतीश द्विवेदी जी हार गए। फिर नए शिक्षा मंत्री बने संदीप सिंह जी, जिनको बनी बनाई कुंडली जैसे नहीं होती है। कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह जी के पात्र जब नए शिक्षा मंत्री बने तो उनको क्या पता कि एक बेरोजगार का दर्द क्या होता है। एक बेरोजगार का दर्द उसके माँ बाप जानते हैं, और जो 10x10 के कमरे में जब वो बेचारा अपने आधी जिंदगी बिता देता है नौकरी के लिए, तब उसकी आत्मा से पूछो क्या होता है दर्द। अब उनसे जब हमारे टीम में सभी लोगों ने मुलाकात करना चाहा, तो वहाँ पर संदीप सिंह जी कहते हैं कि अभी हमारा अनुपात समानुपात बराबर चल रहा है, अभी हम भर्ती नहीं दे सकते हैं। तो माँ सबसे पूछना चाहते हैं, क्या संदीप सिंह जी उस समय पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के बयानों को और लिखित आदेशों को नहीं पढ़े थे क्या? पढ़े थे, लेकिन ये चुनावी जुमले के तहत हमको गुमराह कर दिया गया। आज प्रदेश का लाखों बेरोजगार प्रशिक्षित युवा सब ये सोच रहे हैं कि 2024 को देखते हुए सरकार रोजगार देगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सरकार रोजगार देने में नहीं प्राइवेटीकरण करने पर ज्यादा तैयारी कर रही है। जिस प्रकार आज पे बात के अखबारों में आपने देखा होगा
रिटायर हुए शिक्षकों को संविदा पे पढ़ाने के लिए एक साल का और मौका दिया जाएगा। जिस प्रकार से बड़े बड़े संस्थानों में बड़े बड़े विभागों में आपको देख रहे होंगे रिटायरमेंट के बाद भी सरकार संविदा पे रखने के लिए ज्यादा प्रयास कर रही है, नए चेहरे नए युवाओं को परीक्षा देने परीक्षा दे करके नियुक्त करने पर उसका थोड़ा भी मानसिकता पर विचार नहीं किया जा सकता। आज विभाग में बैंक में लाखों पद रिक्त हैं, LT GIC DGT PGT हर जगह लाखों पद रिक्त हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लाखों पद रिक्त हैं, UP SSC विभाग पे काफी रिक्त पद हैं, लेकिन ये सरकार उन चीजों पर भर्तियां रिक्त पदों पर भर्तियां देना नहीं चाहती है और धीरे 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 प्राइवेटीकरण करती हुई चली जा रही है। जिस प्रकार से बैंकों का प्राइवेटीकरण, शिक्षा का प्राइवेटीकरण, अग्निवीर करके प्राइवेटीकरण, 4 साल संविदा पे रखने का क्या उद्देश्य है सरकार को? और जो भी नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें धीरे धीरे आंतरिक रूप से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है। लोकतंत्र में आवाज उठाने का जो संविधान ने अधिकार दिया था उसको भी दबाने का काम किया जा रहा है। तो साथियों, क्या हम सब गांधीवादी तरीके से अहिंसावादी बन करके अपनी लड़ाई क्या सरकार से नहीं लड़ सकते हैं? क्या लड़ सकते हैं? उसके लिए रजत सिंह, अनिल सिंह जी, रजत सचान बनने की जरूरत है आप सबको। ये लड़ाई एक दो लोग नहीं लड़ सकते हैं, आप सबको भगत सिंह गांधीवादी गांधी जी बनना पड़ेगा, तब जाके आप अपने हक और अधिकार को पाना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकार आपकी आवाज को दबाने से पीछे नहीं हटने वाली है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लेखपाल का पेपर आपने पढ़ा होगा, जांच हुआ 8,000 भर्ती में 15,000 संदिग्ध में चल रहे हैं। अब सोचने वाली बात तो ये है कि लड़ाई धांधली वालों की धांधली वालों से होगी, लड़ाई फ्रॉड वालों की फ्रॉड वालों से होगी, पढ़ने लिखने वाले तो कंपटीशन में है ही नहीं। आज जो छात्र अपने आप को ये सोचता था कि मैं प्रतिभाशाली छात्र हूँ, मैं 24 घंटे में 16 घंटा पढ़ाई करूंगा तो मैं सरकारी नौकरी पा जाऊंगा, तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्यों भूल है? क्योंकि आपसे ज्यादा तो ताकतवर बुद्धिमान तो ब्लूटूथ और साल्वर गैंग है, क्योंकि आपकी मेहनत की सीट तो वो खरीद रहा है। आज जिस हिसाब से पेपर में